और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको अपडेट दे दे। इजराइल में घुसकर, इजराइल हमास में घुसकर अब लगातार स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने गाजा में स्ट्राइक की है एयर सपोर्ट के साथ, ग्राउंड से टारगेटेड रेड है ये। बॉर्डर पार करके गाजा में घुसे इजरायली टैंक, इजरायली ड्रोन और फाइटर जेट ने भी बम बरसाए हैं। आपको बता दें कि कल भी इजरायल के टैंक में, अगर उत्तरी गाजा पट्टी की बात करें तो इजरायल के टैंक वहां दाखिल होते हैं, टारगेटेड रेड की जाती है, यानी हमास के ठिकानों को चुन चुन करके वहां गोले दागे जा रहे हैं, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा था। और एक बार फिर से ये टारगेटेड स्ट्राइक्स शुरू हो गई है। इस स्ट्राइक का वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आईडीएफ के हवाले से न्यूज एजेंसी एपी ने इन्हें जारी किया है और इसके मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में दाखिल होकर हमास के ठिकानों को तबाह करने का यह दूसरा राउंड शुरू किया है, वहां के आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया है। लेकिन इस हमले की खास बात यह थी कि इसमें ग्राउंड पर इजराइल के जवान और टैंक आमने सामने थे, यानी फाइटर जेट्स और ड्रोन का सपोर्ट कवर था। इसके बाद न सिर्फ इजरायली टैंक ने बल्कि ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ने भी बेहिसाब बारूद बरसाया, यानी कुल मिलाकर के एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।